एक्चुअली आपको जैसे मालूम है कि जेसीबी टारी देश का एक बहुत अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है और लगभग हर शनिवार एतवार को यहाँ पर 20-25 हज़ार लोग विजिट करते हैं यहाँ पर फेमस रिट्रीट सेरेमनी देखने के लिए। तो हमारे पास लोगों का काफ़ी ये सेशंस आती थी कि साहब एक म्यूजियम यहाँ होना चाहिए जिसमें कि बीएसएफ का हिस्ट्री और अभी बीएसएफ क्या करती है उसके बारे में जानकारी लोगों को दी जा सके। तो उसके तहत अप्रैल महीने में अप्रैल 2021 में डीजी साहब ने ये म्यूज़ियम बीएसएफ म्यूज़ियम का इनॉग्रेशन किया और अब ये म्यूज़ियम जो है बीएसएफ का हिस्ट्री, बीएसएफ अभी क्या काम कर रही है, बीएसएफ का फ्रंटियर्स कितने हैं, उनका क्या काम है, हमारे वॉर हीरोज़ कौन थे 71 वॉर में जो जिनको महावीर चक्र, वीर चक्र जिन्होंने देश के लिए अपने बलिदान दिया और उनको इन अवार्ड्स से नवाजा गया, वो सब जो है हमने यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। तो जो भी रिट्रीट सेरेमनी देखने आएंगे अब उनको एक एडिशनल यहाँ पर ये बीएसएफ म्यूज़ियम का विजिट करने का मौका मिलेगा और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि ये एक बहुत अच्छा म्यूज़ियम बन के आया है और लोगों को काफ़ी खुशी इसको देखने में होगी। सर, इसमें क्या क्या सुविधाएं दी हैं, जैसे होम थिएटर वगैरह वो लगाया हुआ है? इसमें हमने बेसिकली एक तो बीएसएफ का जो है वो डिफरेंट फेसेस जो हमारे हैं वो हमने दिखाए हैं, उसके अलावा कुछ मूवीज़ हैं हमारे ट्रेनिंग पे, हमारे काम जो हम करते हैं उस पे, और हमारा जो कश्मीर में योगदान रहा है, जो हमारा 71 वॉर में योगदान रहा है, उस सबको लेके हमारे मूवीज़ हैं बीच में, और प्लस एक थिएटर है लास्ट में जिसके अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव 15 मिनट की एक मूवी जो है वो दिखाई जाएगी। तो ओवरऑल आप इसमें अगर घूम लेंगे तो पूरा बीएसएफ के बारे में जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। देखिए म्यूज़ियम हमारा तैयार है बट मार्च से लेके कोविड की वजह से ये आपको मालूम है जैसे कि रिट्रीट सेरेमनी जो है अभी वो पब्लिक व्यूइंग के लिए बंद है। तो जैसे ही रिट्रीट सेरेमनी खुलेगी यहाँ की पब्लिक जो है वो म्यूज़ियम का मज़ा भी उठा पाएगी। बेसिकली बच्चों के लिए है वो, बच्चों के लिए जब बच्चे आते हैं तो वो चाहते हैं कि कुछ फोटोग्राफ उनको अच्छा सेल्फी या फोटोग्राफ मिल जाए, तो उसके लिए हमने एक एक क्रिएट किया है जिसमें कि आप डिफरेंट बीएसएफ के जो सीन्स हैं वो उसमें दिखाए जाते हैं और आपकी फ़ोटो जो है उनके साथ में आ जाती है, पृष्ठभूमि बीएसएफ की रहेगी और आपका फ़ोटो उसके अंदर आ जाएगा।